हेलो गाइज, मैं अभिनीत और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। गाइज, WWE हॉल ऑफ फेमर 2018 के हेडलाइन गोल्डबर्ग अगले हफ्ते टीवी पर नजर आएंगे। वो WWE के किसी शो में नहीं बल्कि किसी टीवी सीरीज में नजर आने वाले हैं। कल रो का धमाकेदार एपिसोड होने वाला है, उसमें गोल्डबर्ग आएंगे या नहीं इस पर WWE ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। कॉमिक बुक न्यूज़ के मुताबिक गोल्डबर्ग द फ्लैश के 2 एपिसोड्स में नजर आएंगे। गोल्डबर्ग इस शो में बिग शर का किरदार निभा रहे हैं। कैरेक्टर का कॉमिक वर्जन एक ताकतवर आदमी है जो मानसिक स्थिति से थोड़ा बीमार है। इस सीरीज में गोल्डबर्ग के साथी बैरी एलन होंगे, इसकी जानकारी गोल्डबर्ग ने एक ट्वीट के जरिए दी थी। अगली बड़ी अपडेट है ब्रॉक लेसनर को लेकर। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर अगर UFC में जाना चाहता है तो उनके लिए रास्ते बिल्कुल खुले हैं। डेना व्हाइट ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि ब्रॉक लेसनर को लड़ना बहुत पसंद है, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो UFC उनका खुले हाथों स्वागत करेगी। गाइस, ब्रॉक लेसनर का WWE के साथ अप्रैल 2018 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो UFC में जा सकते हैं। लेसनर आखिरी बार UFC में UFC 200 के एपिसोड के दौरान नजर आए थे। गाइस, चलते हैं अगली बड़ी अपडेट के पास, जो है पेज को लेकर। हाल ही में WWE के एक लाइव इवेंट के दौरान पेज को एक गंभीर चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें केवल 25 साल की उम्र में ही रिटायर होना पड़ रहा है। हाल ही में जिम रोस ने अपने ब्लॉग में पेज के भविष्य के बारे में बात करते हुए कहा कि पेज की गर्दन पर लगी गंभीर चोट के बारे में पढ़कर काफ़ी दुखी हूँ, जिसकी वजह से वो अब रिंग से दूर हो गई। मैं जानता हूँ कि अगर वो खुद को एक नई भूमिका में शामिल करने का विकल्प सावधानी से करती है तो निश्चित रूप से वह WWE में एक बड़ी शख्सियत बनी रह सकती है। गाइस, आपको बता दें कि जिम रोस WWE हॉल ऑफ फेमर है। ये पहले एक रेफरी के तौर पर कार्यरत थे और उसके बाद लंबे समय तक कमेंटेटर के रूप में काम किया, और ये रो के 25th एनिवर्सरी वाले दिन रो में नजर आएंगे। तो गाइज, आपकी क्या है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो ये पसंद तो इसे कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए WWE की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।